गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नया दिन एंड आज हम आ चुके हैं नए कैफे में जिसका नाम है स्लॉट एंड ये दो रेस्टोरेंट एंड लॉन्ज है। तो आओ अंदर चलते हैं और कैसा है बताते हैं आपको। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नया दिन एंड आज हम आ चुके हैं नए कैफे को एक्सप्लोर करने जिसका नाम है स्लॉट एंड ये बहुत ही अच्छा प्राइवेट रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसका नाम पहले था विला 183 जो कि अब चेंज करके कर दी है स्लॉट एंड हम आ चुके हैं। सामने चल रहे हैं इंडिया और किसका मैच चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का साथ में लाइव मैच चल रहा है एंड बहुत ही अच्छा प्रोजेक्टर इन्होंने लगा रखा है, दो तीन जगह पे इन्होंने लगा रखा है। यहाँ पे आराम से बैठ के हम अपना मैच भी देख सकते हैं। तो चलो अब इनका मेन्यू वगैरह देखते हैं कैसा इनका मेन्यू है। बाकी पीछे आराम से बैठे हुए अपना फोटो सेशन वगैरह करा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सिंगल जो ये एक वाला कैफे है, यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स सब आ सकते हैं। तो ये है हमारा कैफे, तो ये है इनका मेन्यू। तो चलो इनका मेन्यू में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और मंगाऊंगा क्योंकि अभी पीछे कैफे में मैं होके आया हूँ। बाकी इनकी क्या स्पेशलिटी है वो देखते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ अपने बारे में, देखो इनकी स्टोरी कैसी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं क्यों, क्योंकि मेरे को तो पता है क्योंकि मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। इस कैफे का पहले नाम था विला 183, अब इसका नाम कर दिया स्लॉट। इससे पहले भी एक नाम और था, वो पता नहीं क्या था। तो चलो ये है कैफेज इनका मेन्यू। तो अब सोचते हैं क्या मंगाएं, अब पीने का मंगाते हैं क्योंकि खाने का तो मैंने अभी इससे पहले वाला जो कैफे था गाइस वो था इससे पहले वाला कौन सा था, डरबन स्ट्रीट में, मैं वहाँ पे खा के आया था सिंगापुरी नूडल्स। और यहाँ पे अब कुछ हम खाने का तो नहीं, पीने का देखेंगे आज क्या पीने का कर सकते हैं हम। तो चलो इनको अच्छा 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 भाई साहब इनके पास नॉन वेज भी है। कैसे पता चला, ये ग्रीन है ये रेड है, कैसे पता चला ग्रीन और रेड, ग्रीन मतलब वेज, रेड मतलब नॉन वेज। वैसे तो सबको ही पता होता है, कोई नई बात नहीं है। तो चलो मतलब यहाँ पे हम नॉन वेज वाले बंदा भी आ सकता है। यहाँ पे लड़कियाँ गाइस इतना शोर मचा रही हैं, चैं 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 दिमाग खा गई है मेरा, तो मैं क्या करूँ यार इतना दिमाग कौन खाता है मेरा है। चलो तो हम क्या मंगाएं, वनील चॉकलेट मैम मुझे तो ये वाला मंगा के देखते हैं। तो चलो ये वाला मंगाते हैं, मैम से कहते हैं मैम प्लीज करके ये लेके आए। लाटे भी है, कैपेचिनो भी है, ब्लैक टी भी है। कैपेचिनो कभी नहीं पी यार मैंने अभी तक, लेकिन मुझे दूध दूध बड़े मिल सकता है, मैं तो मोका पीऊँगा, मेड विथ चॉकलेट एक्सप्रेसो एंड मिल्क ये पियेंगे। हमने ऑर्डर दे दिया है कैफे मोका का एंड अब मैं बात करते हैं इनकी प्रेजेंटेशन की, कैसी प्रेजेंटेशन है। तो ये एक प्राइवेट रूम बन रखा है, एक बहुत ही सुंदर सा एंड यहाँ पे चल रहा है सामने मैच, यहाँ पे मूवीज वगैरह भी देख सकते हैं, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में मूवी चल रही है तो वो भी देख सकते हैं। बाकी सामने चल रहा है मैच जो कि हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि मुझे नहीं आता भैया मैच देखना, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है मैच देखना। हालांकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब मैं देखता हूँ, तब इंडिया को चेयर करता, बाकी मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो पता सब है, पता अच्छा नहीं लगता। तो बाकी हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, टेबल बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज मान लो कि जैसे ये वाली प्लेट मैंने उठा के उधर रख दी, बाकी वो तो अलग बात है। पानी की बोतल सही है दे रखी है, पीना पी लो, नहीं पियोगे तो सही रहेगा, पियोगे तो बिल में ऐड हो जाएगा, बाकी मर्जी है तुम्हारी। ये बिल्कुल प्रेजेंटेशन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है। बात आई मेन्यू की, मेन्यू कैसा, मेन्यू बहुत अच्छा स्लीक एंड मेन्यू बहुत ही अच्छा स्लीक है और सही है। बाकी पूरी बुकलेट एक अच्छी तरीके से बना रखी है इन्होंने जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो सही है, तो सही है यार, बढ़िया है प्रेजेंटेशन, बढ़िया है क्योंकि ये वेल स्टैंडर्ड का कैफे है, ये कोई ऐसे नहीं है थोड़ा बहुत आम आम। गाइस प्लीज हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी नहीं मोका आ चुकी है और अब इसको ट्राई करने जा रहे हैं कैसी है। बाकी मैंने कॉफ़ी वाले की तो जो कॉफ़ी वाले की एक वो आता है ना जो क्या क्या बोलते हैं स्टॉल बनाता है कॉफ़ी वाले का, उसकी मोका तो मैंने ट्राई कर रखी है, ये वाली पता नहीं कैसी होगी। तो चलो ट्राई करके बताते हैं कैसी है ये कॉफ़िया, तो मोका सॉरी कॉफ़ी कोफा कोफा नहीं मोका मोका। हल्की प्रेजेंटेशन तो अच्छी है लेकिन क्योंकि हम गाइस देखो खाली हम अच्छी बातें नहीं बताते, थोड़ा बहुत नुक्स भी बताते हैं क्या क्या चीज नुक्स हैं। कॉफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा गिलास जो है ना तो क्वालिटीज़ की थोड़ी सी हल्का गिलास है, बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉपर अच्छा सॉलिड गिलास नहीं है देखो। तो कोई बात नहीं, हमें गिलास से मतलब नहीं, हमें टेस्ट से मतलब है। तो टेस्ट ट्राई करके बताते हैं कैसा है। तो गाइस इनकी कॉफी ट्राई करते कैसी है। तो
कॉफ़ी तो अच्छी है, मोका है इनके कॉफ़ी, जैसे कॉफ़ी वाले की थी ना, जैसे जो स्टॉल लगाता है कॉफ़ी वाला जिसका वो फेमस है, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, सेम वैसी टेस्ट है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। बाकी मैं सामने देख रहा हूँ मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और साथ में मजे ले रहे हैं कॉफ़ी के, बाकी शोर बहुत हो रहा है, मुझे चाहिए, मुझे शोर बहुत है और मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल अकेले बैठना, तो कोई बात नहीं। तो भाई अगर आपको पता है कि मेरी एक नई सीरीज स्टार्ट रखते हैं जिसमें मैं मेरठ के जितने भी कैफेज हैं सब एक्सप्लोर करता हूँ, छोटे बड़े उनकी अच्छी बुराइयाँ सब बताता हूँ। खासकर कि मेरा मोटिव यही होता है कि उनके बारे में बताऊँ इन्फॉर्मेशन कि मेरठ में ये नया खुला है, उनकी अच्छाइयाँ बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बुराइयाँ वो मतलब नहीं होता कि एक वो सजेशन होता कि एक फीडबैक देना कि हाँ भाई आप ये सुधार कर सकते हो, बाकी यहाँ पर कोई भी बुराई है ही नहीं, बहुत बढ़िया है यहाँ पर, हर चीज़ बढ़िया है एकदम बढ़िया। तो बस एयर कंडीशनर सब लगे हुए हैं सामने, बिल्कुल थिएटर जैसा फील आ रहा है मैच के अंदर, और अपना साथ में हम इन्जॉय कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं तो अकेले पसंद है थोड़ा थोड़ा, तो बस। और 22 कल मेरा बर्थडे भी है जो कि है 9 अक्टूबर, तो बर्थडे अच्छा जाए उसके लिए मेरे को हैप्पी अच्छी सी विशेस देना कमेंट में, जब बाकी जब तक ये वीडियो आएगा तब तक मेरा बर्थडे निकल चुका होगा, तो वो अभी हमें पता नहीं अगली वीडियो कब आएगी। चलो सर, तो गाइस हमने न्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आप बहुत अच्छा प्यार दिखा भी रहे हो इस सीरीज को, तो थोड़ा सा प्यार और दिखा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये बिल मंगाते हैं सीधी सी कहानी, ठीक है। और अब इसके बाद हम जाएंगे कैफे को और एक्सप्लोर करने। तो गाइस मैं सुबह का निकला हूँ, सुबह का नहीं दोपहर के 3 बजे का निकला हूँ, और मुझे आज टारगेट करने हैं कम से कम 7 कैफे को एक्सप्लोर करने करने हैं, जो कि मेरा भी दूसरा कैफे है, इससे पहले मैं अर्बन स्ट्रीट पर वो करके आया था, अब ये कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। तो आज 7 कैफे मुझे एक्सप्लोर करने ही करने हैं किसी भी हाल में, चाहे रात के 12 बजे, तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब तो यार कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना, आप तो आराम से घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, आपको घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो बाकी बिल मंगाते हैं और फिर चलते हैं तीसरे कैफे को एक्सप्लोर करना।